बच्चों, कल हमने फर्स्ट यूनिट में वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़े थे। आपको सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं, कुछ मुख्य सिद्धांत मैंने लिखवाए थे, बता दिए थे, और आप उसको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट डाउन भी कर चुके होंगे। जब भी क्लास ओपन होगी मैं सभी के नोट्स भी चेक करूंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कॉपी आपकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। और शॉर्ट मैटर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम शॉर्ट है, परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई है, अन्यथा इसकी बहुत डिटेल आपको पढ़ाने की जरूरत थी, क्लास में पढ़ाते भी हम, लेकिन तो कुछ परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि आपकी क्लास बराबर चलती रहे इसकी वजह से शॉर्ट मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है, और ये मैटर आपके आगामी परीक्षाओं का आधार भी है, तो इसलिए इसकी डिटेल आप लोग स्वतः पढ़ते रहिएगा। और इसकी जानकारी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बकायदा मुझे फोन करके, कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं बार बार ये बात आपको क्लास में बताती हूँ, तो कोई भी समस्या हो तो आप मुझे फोन करके पूछिएगा। अब हम फर्स्ट यूनिट का लास्ट प्वाइंट आज पढ़ रहे हैं, जो है बाल विकास की अवस्थाएं। बाल, जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि विकास कितने प्रकार का होता है, विकास हमने देख लिया, विकास किन सिद्धांतों पर आधारित है ये देख लिया। अब हम देखेंगे एक बालक की एक साथ की आयु को विकास किस प्रकार से, किस आयु में कितना विकास होता है, अवस्थाओं में बांटा गया है मनोवैज्ञानिकों द्वारा। बालक की अवस्थाओं में, किस अवस्था में कितना विकास होता है, तो वर्ष के, आयु के हिसाब से उसको बांटा गया, वो हम अब इस उसमें टॉपिक में देखेंगे। तो बाल विकास की पहली अवस्था जो है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था की आयु निर्धारित की गई है, वो है 0 से 6 वर्ष। यहाँ पे 0 लिखा है, ध्यान देना, अर्थात गर्भावस्था से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु जो है वो शैशवावस्था कहलाती है। खिलौने की अवस्था भी शैशवावस्था कहलाई जाती है। फ्रायड का एक कथन है शैशवावस्था के संदर्भ में कि मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में बन जाता है, यानी उसको आगे क्या बनना है, क्या कैसे को, वो 5 वर्ष में खिलौने की अवस्था में पता चल जाता है कि वो आगे क्या बनने वाला है। ये फ्रायड ने कथन बोला है। इस प्रकार से इस अवस्था में आप बच्चे में जितने प्रकार के विकास हैं, कितना होना चाहिए, किस समय सबसे ज्यादा इस अवस्था में विकास होता है, शारीरिक विकास। तो बेहद जरूरी है कि शैशवावस्था में आप शारीरिक विकास का ध्यान रखें, कितना विकसित हुआ है बालक का अंग, कितना नहीं, उसकी वृद्धि कितनी हुई है, इन सभी चीजों की जो जानकारी है वो शैशवावस्था में दी जाती है। भाषा विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है, और हर विकास, जो भी 10 विकास आपको पढ़ाए हैं, सामाजिक है, मानसिक है, शारीरिक है, भाषा विकास है, ये सारे विकास जो है इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से होते हैं। तो सभी विकास को आपको उस अवस्था में, किस आयु में कितना होना चाहिए, इस अवस्था में आपको बताया जाएगा, और आपको बालक में देखना है। आपने देखा होगा उसके हड्डियों का विकास है, दांतों का विकास है। जब शिशु पैदा होता है तो उसके शरीर में 360 हड्डियां होती है, लेकिन क्रमशः वो हड्डियां घट घट के 206, मानव जो बनता है तो 206 हड्डियां शरीर में रह जाती। इन सभी ऐसे दांत नहीं होते हैं, बाद में उसके दांत निकलते हैं, तो किस अवस्था में दांत निकलते हैं इसकी जानकारी है। मस्तिष्क विकास जो है कितना होता है वो है, मतलब शारीरिक संबंधित जितने विकास है वो इस अवस्था में अति तीव्र गति से होते हैं और वो हमें दिखाई देते हैं। तो इन सभी बातों का अध्ययन हम शैशवावस्था में करते हैं। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु जो है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष है, चूंकि अहम अवस्था है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व और उत्तर। पूर्व में 3 वर्ष आते हैं, 6 से 9 वर्ष तक का अध्ययन हम करते हैं, और उत्तर में जो है हम 9 से 12 वर्ष का अध्ययन करते हैं। यह अनोखी अवस्था है, अनोखा काल है। बालक अपने आप को अपने आयु वर्ग से ज्यादा समझता है। सबसे ज्यादा सामाजिक विकास इस अवस्था में बालक का होता है, क्योंकि वह घर से बाहर निकलता है, अपनी मंडली बनाता है, अपने मित्र मंडली में अधिक से अधिक समय बिताने की इच्छा रखता है। इसलिए यह अवस्था जो है बहुत ही जरूरी और अहम, भावी जीवन के लिए बहुत अहम अवस्था मानी गई है। कॉल ब्रूस ने कहा है यह मिथ्या
मिथ्या अवस्था है, अर्थात इसमें जो बालक होता है वह होता नहीं है, सोचता है ऐसा कि वह है लेकिन ऐसा होता नहीं है। कप्पू स्वामी ने बताया है कि बालक इस अवस्था में बालक का स्वभाव उग्र होकर नकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रकट करता है। कप्पू स्वामी भारतीय मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इस अवस्था का बेहद बारीकी तरीके से अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि इस अवस्था में बालक का स्वभाव जिद्दी, चिड़चिड़ा और हर बात को मनवाने का, इस तरीके का वो अपना स्वभाव रखता है और जिसके कारण उसके अंदर नकारात्मक गतिविधियां भी उत्पन्न होती है, उसके विचारों में नकारात्मकता झलकती है। अतः इस अवस्था को हमें बेहतर तरीके से समझने की और बालकों को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए इसकी शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यकता है इस अवस्था को हम समझे। लड़के लड़कियों का परिवर्तन इसी अवस्था में होने जाता, अपने अपने ग्रुप के हिसाब से उनकी मित्र मंडली बनती है, यानी जो लड़का है वो लड़कों के साथ में ही खेलना पसंद करेगा, जो लड़कियां हैं वो लड़कियों के साथ में ही खेलना पसंद करे, यानी कि अपने समान वर्ग के लोगों के साथ में उसको अच्छा लगता है। तो शिक्षक के लिए भी इस अवस्था का अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि स्कूली अवस्था है, ये विद्यालय अवस्था है, 6 वर्ष का बालक 5 वर्ष का बालक हमारे पास में आ जाता है, हमने देखा भी है शिक्षा के मौलिक अधिकार में कि 6 वर्ष से आपको निःशुल्क शिक्षा देनी, यानी 6 वर्ष का बालक अब आपके पास में अध्ययन के लिए आ चुका है। तो आपको इस अवस्था के शिक्षक को भी इस अवस्था की बेहतर जानकारी होनी जरूरी है कि किस प्रकार के परिवर्तन, किस प्रकार के विकास इस अवस्था में होते हैं। आगे तीसरी अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था तरुणावस्था भी कहलाती है, यानी जब एक पौधा हम लगाते हैं धीरे 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 उसको पानी देके सींचते हैं हम, उसमें खाद निराई गुड़ाई हर एक चीज समय समय पे करते हैं, अब टाइम है उसको ऊपर तरुण होने के, यानी नई नई कोपले उसमें आने की, वो कहती है तरुणाई उसको हम कहते हैं। तो इसी तरीके से जब आपने बच्चों में अपने विद्यालय के द्वारा या घर में माँ बाप के द्वारा उसमें अच्छे अच्छे संस्कार भर दिए गए या जो भी ये बातों का उसने विकास उसका परिपक्व हो चुका है वो सभी चीजों में सभी कामों में, तब जाके अब वो अपने विचार प्रकट करता है। आपके द्वारा जो सीखा है जो समझा है उसके द्वारा वो अपने विचार प्रकट करना शुरू करता है, इसलिए यह तूफान संघर्ष की अवस्था भी कही जाती है। बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल का कथन है कि किशोरावस्था जो है संघर्ष और तूफान की अवस्था है और कई बार इस कथन को सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने के लिए आप अपने घर का ही एग्जाम्पल उठा करके दे सकते हैं, जो बात आप कहेंगे वो उसको नहीं मानेगा, उसको अपनी अहम भावना जो है वो प्रबल होती है क्योंकि वो समाज में निकलता है, उसको अपने मित्रों का दबाव होता है उसके ऊपर, उसको बेहतर तरीके से जानता है समझता है। तो आपको इस अवस्था का बहुत बेहतर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने इस अवस्था में बालक को सही मार्गदर्शन प्रदान किया तो वो एक अच्छा नायक बनता है। यदि आपने इस अवस्था का सही अध्ययन नहीं किया है, सही जानकारी आपके पास नहीं है, तो वह गलत रास्ते पर भी जा सकता है क्योंकि ये भावी जीवन की नींव है। इस अवस्था का जो काल है, समय है, वो 12 से लेकर के 18 वर्ष होता है, यानी टीन जहां से भी जुड़ता है, टीनेजर कहते हैं इसको, टीन एज जो होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। 12 वर्ष के बाद 13, 14, 15, तो टीनेजर उसमें कहते हैं ना कि टीनेजर है अभी, इसको बहुत ज्यादा बोलना नहीं, बहुत ज्यादा समझना नहीं। एक माँ बाप होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक समाज में आपको जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको किशोरों को बेहतर तरीके से समझने और बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। अतः हमें इनके बातों को, मनोभावों को समझ करके उन्हें बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। इस यूनिट का ये लास्ट पॉइंट था, आज हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न लिखवाऊंगी जिसके आंसर आप कॉपी में नोट करके और मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि इस यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में ही नहीं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। तो आप वो सब नोट करिएगा और उसके आंसर लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। धन्यवाद।